अम्बाला पहुंचे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोड़ी का परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अम्बाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोहनलाल बड़ोड़ी ने स्वागत के लिए भाजपा के संगठन और मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस पर वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और तीसरी बार जनता जनार्दन के सपोर्ट से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। वहीं हाई कोर्ट ने सरकार को 7 दिन के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं, जिस पर जवाब देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि जो कोर्ट आदेश ने दिए हैं सरकार उसकी पालना करेगी और उस तय सीमा में समीक्षा करके उसका समाधान करेगी। वहीं विधानसभा चुनावों लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जनता जनार्दन के लिए काम कर रही है और तीसरी बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ के लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी और तमाम हमारे पार्टी के सभी नेतागण, पूर्व में चुनाव लड़े, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मंदीप राणा जी और इनकी पूरी टीम आज बहुत जोरदार ढंग के साथ भव्य स्वागत हुआ है और मैं पूरे संगठन का, पूरे जनप्रतिनिधियों का, सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आज जिस प्रकार से जो जिम्मेवारी इस विधानसभा चुनाव से पहले मिली है, कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल से सरकार चली है और हरियाणा प्रदेश में भी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसके जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेके, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। शंभू प्रदेश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारी सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार का आदेश पारित करती है, सरकार उसकी पालना करेगी और सरकार जो 7 दिन का समय दिया, समीक्षा करके उसका समाधान करेगी। समय है और कोई समय कम नहीं है। हरियाणा सरकार लगातार जन कल्याण की नीतियों को लेकर जनता की भलाई के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं और उसी आधार पर हरियाणा प्रदेश की जनता नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी।